हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला पापड़। तो उसके लिए हमें एक बड़ा टमाटर, एक बड़ा प्याज और दो हरी मिर्ची कट करके रख लेनी है, और पापड़ को हमने भून लेना है। तो मैं ओवन में भून रही हूँ और मसाला डालने के लिए मिक्स कर रही हूँ। पुदीना सूखा एक चम्मच और नमक, लाल मिर्ची, काली मिर्ची, धनिया पाउडर और चाट मसाला, ये सारा मिक्स करके रख लेंगे स्प्रिंकल करने के लिए। और पापड़ को आप तवे पे भी भून सकते हैं किसी कपड़े से प्रेस करके, और ओवन में भी भून सकते हैं। मैं तल नहीं रही हूँ क्योंकि उससे थोड़ा तेल ज़्यादा हो जाता है। तो भूनने के बाद आपने इसके ऊपर सबसे पहले प्याज, फिर टमाटर और हरी मिर्ची डालकर थोड़ा मसाला डाल देना है, और उसके बाद आपने डाल देना है पनीर। पनीर मैंने घर पे बनाया हुआ है, अगर आपके पास घर में नहीं है तो आप रेडीमेड भी ला सकते हैं, और उसको कद्दूकस करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। पनीर डालने के बाद आप फिर थोड़ा सा इसके ऊपर मसाला डाल दें, और इसमें पुदीने का फ्लेवर अच्छा आता है, और इसको आप सॉस और काचरे की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। काचरे की चटनी, मैंने पुदीना और काचरे की चटनी पहले बताई हुई है वीडियो में, और उसके लिए आप देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसमें मैंने पुदीना नहीं डाला, काचा और हरी मिर्ची और प्याज डाला है। तो दूसरा हम बनाने जा रहे हैं मसाला पापड़। इसमें हम सबसे पहले सॉस में, मीठी सॉस में प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची मिक्स कर लेंगे, पनीर और मसाला, ये सारा मिक्स करके हम इसको पापड़ के ऊपर डालेंगे। तो ये वाला पापड़ जो है ये आपको तुरंत बनाकर खाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सॉस डालने से ये गीला हो जाता है मटेरियल, और इसको आप रखेंगे तो फिर ये ढीला सा हो जाता है। दूसरे जो पहला बनाया था पापड़, वो आप आराम से धीरे धीरे खा सकते हैं, उसमें वो गीला नहीं होता, ये मटेरियल सारा गीला हो जाता है। तो आप पापड़ के ऊपर ये डाल दीजिए मिक्स किया हुआ। फैलाने के बाद आप इसके ऊपर फिर थोड़े प्याज टमाटर डालेंगे और पनीर डालेंगे, और फिर थोड़ा सा मसाला डालेंगे, और इसको चाहें तो आप ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और तीसरा फ्लेवर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास आलू भुजिया पड़ा हो या सेव पड़ी हो या भेलपूरी पड़ी हो तो आप पनीर की जगह वो भी डाल सकते हैं, तो वो भी क्रंची और क्रिस्पी लगता है। नहीं तो आप पनीर के ऊपर भी भुजिया डाल सकते हैं, अभी मेरे पास नहीं था तो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। चलिए, आपका मसाला पापड़ तैयार है।